हरिओम नमो नमः सुप्रभातम। तो कर लेते हैं नए दिन के साथ फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत। और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोग के लिए नए ब्लॉग लेके। तो यार आजकल तो हमारे यहाँ असोज का महीना लगा है तो खेतों में ही काम हो रहा है और धान का ही हो रहा है। हमारे यहाँ धान ही होते हैं ज़्यादा, काजू हाजू का उतना नहीं होता है। तो काजू का जितना था लोगों ने काट ही दिया है और बाकी धान कटाई चल रही है। तो आज हमारी है फाइनल धान कटाई। तो मैं खेत में भी आ गई हूँ और खेत से आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल भी मैं खेत से ही ब्लॉग स्टार्ट की थी और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ धान काटने के लिए। तो अभी बजे सुबह के 9, तो ज़्यादा देर तो रहूँगी नहीं, थोड़ी देर रहूँगी क्योंकि घर में मन नहीं लग रहा है यार, बेचैनी जैसी हो जा रही है क्योंकि रोज़ ही काम किया है। तो क्या करूँ हो जा रही, तो फिर मैं मम्मी के साथ थोड़ी देर के लिए आ जा रही हूँ। बाकी धूप लग रही तो फिर मैं घर चले जा रही हूँ। तो देखिए अभी मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ और कल मम्मी लोगों ने इतना काट दिया था यहाँ क्योंकि कल हमारी थी धान बनाई और उसके बाद हमारा टाइम बच गया था तो यहाँ काट दिया थोड़ा बहुत। तो अभी इधर यहाँ को अभी काटे नहीं है लोगों ने सल्टीट में ज़्यादा, तो हमारी सल्टीट में आज फाइनल धान कटाई। तो इतना भर काट दिया है कल। ये हमारा खेत और देखिए यहाँ से भी आपको मैं सुंदर सा नज़ारा दिखाऊंगी चारों। तो ये देखिए ये है सल्टीट और इधर है हरगड़ी हमारा, और हरगड़ी में भी अब लोगों की धान कटाई हो ही रही है वैसे ज़्यादातर। और यहाँ घास का खेत है और बाकी यह है हमारा खेत। ये दो टुकड़े हैं, ये तो छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। ये आधा हो गया है और आधा ही रह गया। तो देखेंगे टाइम होगा तो उसके बाद हम इसको आज फाइनली करेंगे, मनाई भी करेंगे इसकी। अभी तो फिलहाल काटनी है और एक कोई अगर आ जाता है तो भाभी से बोल रखा है आ जाएंगी, तो फिर हमारा ये कटाई होने के बाद हम उसको मान लेंगे। बाकी धान ये हो रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया धान हो रहा है। और ये देखिए यहाँ से दिखता है हमारा गाँव, यहाँ को हमारे बकई। ये हमारा गाँव सुंदर सा मटीना गाँव, ये हमारी बकई है, ऊपर हमारा घर भी दिखता है यहाँ से देखिए। तो अभी आ गई हूँ मैं खेत में, बाकी आपको दिखाई दिया है चारों ओर का नज़ारा और धूप भी आई गई है और आजकल अच्छी सही हो रहा है धूप, थोड़ा तेज वाली धूप नहीं लग रही है तो इसलिए मैं अभी खेत में थोड़ी देर रह जा रही हूँ। चाय पानी भी हम लेके आ गए हैं क्योंकि दिन में फिर मैं यहाँ से 11 बजे जाऊँगी, फिर कब चाय आएगी, इसलिए हम पहले ही चाय लेके आ गए हैं। तो चाय हाय भी लेके आ गए, पानी भी लेके आ गए हैं। बाकी मम्मी आ रही है अभी और मैं कटाई शुरू कर देती हूँ, थोड़ा बहुत देखती हूँ कितना करता है। जब तक धूप नहीं होगी तब तक काटूँगी और उसके बाद फिर मैं घर चले जाऊँगी। बाकी फिर शाम को आऊँगी, शाम के टाइम थोड़ा मौसम सही रहता है, हवा चलती है और दिन छिप जाता है तो फिर थोड़ा काम भी करने का मन करता है। और धूप में तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आँख में दर्द हो ही जा रही है। बाकी आँख मेरी अभी थोड़ा बहुत ठीक है पहले से, तो अभी दिखाने जाना है या कल या परसों को हम लोग हल्द्वानी जाएंगे, उसके बाद दिखा के फिर एक देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। अगर रुकने को बोलेगा तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं घर आ जाऊँगी। और धान सूखने भी हमारे एक जगह के धान हमने सुखा दिए हैं, बाकी कल वाले धान जो हमने कल मनाई की है सिरे की वो हमने डाल रखे हैं अभी फिलहाल, तो वो ज़्यादा अच्छे से तो सूखेंगे नहीं, आज धूप ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उनको भी 2-3 दिन सुखाना पड़ेगा। बाकी धान हमने बताया नहीं अभी, तो पापा को टाइम होगा तो शाम से हम आज धान बताना भी शुरू करने वाले हैं। तो अभी चलो कटाई शुरू कर लेते हैं फटाफट से और थोड़ा बहुत जितना होता है काटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये धूप से बचने के लिए मैंने सर में डाल लिया कपड़ा और यह है दराती, और बिल्कुल कारी हुई दराती लाई है मम्मी। तो ये दराती धान काटने, गाजू वाजू काटने से पहले हमारे यहाँ जो लोहार होता है यानी कि जो दराती को धार देता है उसके वहाँ ले जाते हैं, और बाकी फिर उसके बाद ये कार के लाते हैं। तो ये दराती काट दी है और बाकी इससे काटती हूँ, दो दराती हैं ये तो बड़ी है तो छोटी वाली से काटती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको।
अब मेरे को लग गई धूप और मैं बैठ गई हूँ छाया में थोड़ी देर। मम्मी लगाने लग गई है, ये मम्मी काट रही है और मैंने इतने काट दिए हैं, आधा संगाव मैंने काट दिए हैं, बाकी मम्मी काट रही है, अभी कट ही जाएगा ऐसे। और धूप भी हो रही है काफ़ी, अभी हवा भी नहीं चल रही है, आजकल तो बढ़िया हवा चल रही थी। थोड़ी देर काटती हूँ और फिर जाती हूँ घर को। तो अभी मैं बैठी थी छाया में और मुझे दिख गया एक पिताड़। तो देखिए जैसे जोंक होता है वैसे ये पिताड़ भी होता है देखिए, और ये भी खून चूसता है। और ये रुपाई में ज़्यादा होता है, मतलब रुपाई के टाइम पे खेतों में कचार वाले में, जैसे जब पानी सड़ जाता है तो उसमें दिखता है, जब ज़्यादा बहुत दिनों का पानी खेत में जमा हो जाता है तो उसमें पानी ये उत्पन्न होता है। और ये पैरों में काटता है, चिपक जाता है बिल्कुल जोंक की तरह, तो इसको बोलते हैं पिताड़। देखिए पहली बार दिखाई धान के टाइम में, बिल्कुल जोंक की तरह है। देखिए कितना बड़ा है, देखिए क्या क्या दिख जाता है खेतों में आजकल। तो ऐसे काफ़ी कीड़े मकोड़े दिखते हैं खेतों में, और हमारे इतने काट दिए हमने, तो बीच बीच में मैं भी काट रही हूँ, बाकी मेरे को जब धूप लग रही थी मैं छाया में आ जा रही हूँ, तो अभी हमारे पॉल्टी नहीं पहुँचे हैं तो वो आ जाएंगे, तो फिर मैं जाऊँगी घर पर। अब तक बैठे रहती हूँ थोड़ी देर। तो अभी इतने काट दिए हैं, अब थोड़ा सा बचा है ऊपर वाला खेत हमारा, ये वाला, और बाकी उसके बाद है नीचे वाला खेत। तो ये हमने अंगाव भी रखे हैं, तो इतना काट दिया है। तो अभी होगी है मनाई की तैयारी, तो बूजी भी आ गई है, अब यहाँ बिछारे तिरपाल, तो अभी फतोड़ान शुरू होगा थोड़ी देर में। तो ये हो चुका है फतोड़ान शुरू, तो आज है धान मनाई फाइनल। तो अभी मैं भी जाती हूँ घर को, अभी थोड़ी देर में आऊँगी शाम के टाइम। तो अभी मैं आ रही हूँ सीधे 3 बजे, क्योंकि मम्मी लोग को पानी की बहुत प्यास लगी थी और पानी ख़त्म हो गया था, और दोबारा दूसरे टाइम की भी चाय लेके आ गई हूँ। और देखती हूँ वहाँ क्या क्या हो रहा है, और अभी मौसम भी थोड़ा सही हो गया है तो पराव डालूँगी मम्मी लोग क्योंकि मान रहे हैं, और एक खेत अभी काटना भी रह गया था। तो मैं आ गई नीचे को, अभी थोड़ी देर में पापा भी आ जाएंगे। तो जाती हूँ, पहुँचने वाली हूँ मैं धारा पे, वहाँ से भर के ले जाना है मैंने पानी। तो अभी मैं थोड़ा सा नौले से नीचे आई हूँ, तो रोड में पहुँचती हूँ। तो ये देखिए मैं पानी भी भर के ला गई और अब मैं जाने लगी हूँ। तो गुलगधर के यहाँ पर मैं पहुँची हूँ, तो यहाँ आजकल सभी जगह शेरों में, सारे शेरों में धान मनाई की वो चल रही है, जोर शोर चल रहा है, बिल्कुल मारामार हो रही है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में, और यहाँ चाय पानी भी हो गया है, मम्मी लोगों ने चाय भी पी ली है, और अब शुरू हो जाएगा फतोड़ान। अब फटाफट से हमने निपटाना है, नीचे वाला खेत है अभी काफ़ी, और यहाँ भी धान है, और पराव बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, इसको मैं फटाफट फैला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आज हमने ये करना है फाइनल। तो अभी लगभग लगभग मान दिए गए हैं, अब 2-4, 8-10 अंगाव बचे हुए हैं, उनको हम कल ही मानेंगे, और आज का हमारा काम इतना ही करना है, क्योंकि अब अंधेरा भी होने लग गया है। अब फटाफट से मैंने पहला पराव भी फैला दिया है सब जगह, तो अभी देखते हैं कितनी देर और हम काम करते हैं यहाँ पर। दिन तो छुप गया है और मौसम भी देखिए अंधेरा होने लग गया है और रात होने लग गई है, तो हम लोग फटाफट से यहाँ का निपटाते हैं और उसके बाद जाते हैं घर को। आज का काम हो चुका है, तो यार अभी तो हो गई है शाम, बहुत देर हो गई है, और धान भी हमारे मन ही चुके हैं, फाइनल हो गया हमारा आज। वैसे बस थोड़ा सा 2-4 रह गए हूँ, कल मन जाएंगे बाकी। तो मम्मी लोग भी अभी कट्टा पहुँचाने गए हैं वहाँ पर रोड में तक, फिर आ जाएंगे तो साथ ही जाते हैं। तो ये हमारे गांव का सुंदर सा दृश्य रात्रि काल का यहाँ से दिख रहा है, ये हमारी बकरी, ये देखिए अभी हमारी लाइट नहीं जली क्योंकि घर में कोई है नहीं अभी, तो अभी सब लोग खेत में हैं, भैया भी खेती में आ रहे हैं, तो जाते हैं फिर जलाएंगे लाइट हाइट। और हो चुका है अंधेरा, तो रोज़ आजकल ऐसे ही हो जा रहा है अंधेरा, 3 दिन धान मनाई हुई, 3 दिन ही अंधेरा हो जा रहा है। कोई नहीं, अब लास्ट हो गया आज फाइनल, बस पराव का है, पराव का तो मम्मी बात की इकट्ठा कर देगी तो फिर किसी से सरवा लेंगे, तो ये हो गया है। चलिए चलते हैं अब घर को। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ आपको और अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, शुभ रात्रि।